इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव एक नए विवाद में घिर गए हैं। लालू यादव पर सरकारी खर्च पर इलाज कराने का आरोप लगा है। आरोप है कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के सभी डॉक्टर्स को अपनी ड्यूटी छोड़कर लालू यादव की सेवा में लगा दिया गया और ये सब बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप के ऑर्डर पर हुआ। आज तक के पास स्वास्थ्य मंत्रालय की चिट्ठी है जिसमें डॉक्टर की ड्यूटी लगाए जाने का जिक्र है। रोहित सिंह हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। रोहित, एक नया आरोप, वक्त ये वैसे ही अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन क्या पूरी तफसील है इसके बारे में? जी देखिए, ये जो लालू प्रसाद यादव की है तबीयत पिछले हफ्ते मतलब बेहद खराब बताई जा रही थी और इसी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री और उनके जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव ने, उन्होंने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के तीन बड़े डॉक्टर जो है, जो कि CCU यानी क्रिटिकल केयर यूनिट के जो डॉक्टर्स होते हैं, और उनकी इनकी टीम बनाकर लालू यादव के जो सरकारी आवास है यानी कि 10 सर्कुलर रोड पर 2400 घंटे वहां पर उनको वहां पर लगाया गया था, उनको डेप्यूटेशन किया गया था और साथ में दो नर्स भी हैं और इन डॉक्टर के नाम है डॉक्टर नरेश कुमार, डॉक्टर गोपाल और डॉक्टर अमन कुमार। ये तीन बड़े डॉक्टर हैं और इन्होंने हॉस्पिटल को छोड़कर तकरीबन एक हफ्ते तक ये सिर्फ लालू के घर पर ही रहते थे और आपको पता हो लालू इसी वजह से चेन्नई भी नहीं जा पाए थे, उनकी तबीयत खराब थी करुणा निधि के जन्मदिन पर, और इसी दौरान ये तीन डॉक्टर्स और दो नर्सों की तैनाती वहां पर की गई थी और 8 जून को ही जब इनकी पूरी टीम को जो है वहां से वापस बुला लिया गया था IGIMS, यानी कि पूरे के पूरे 8 से 9 दिन तक जो है IGIMS में तीनों डॉक्टर्स नहीं थे। मरीज वहां पर बेहाल थे, वो वहां पर तड़प रहे थे, उनको जरूरत थी, लेकिन ये पांचों डॉक्टर्स और नर्स जो है वो लालू के घर पर उनके तीमारदारी में लगे हुए थे। जी, शुक्रिया रोहित आपका इस जानकारी के लिए, लेकिन आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि अस्पताल के तमाम बड़े डॉक्टर्स को लालू यादव की सेवा में लगा दिया गया और ऐसे में मरीजों की वहाँ क्या हालत रही होगी। डॉक्टर PK सिन्हा अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर अब इस मसले पर सफाई देते हुए ताकि ये मसला और सुर्खियां न बटोरे।